मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका डायरेक्टर हूँ। और कल मैं यहाँ CDI के साथ एक प्रोग्राम था, जिसमें पेपर मेशी में जिन बच्चों ने पास आउट किया है उन्हें डिग्री देना था। उस सिलसिले में एज ए चीफ गेस्ट कल मैं यहाँ आया था और बच्चों को डिग्री तकसीम की गई। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में हम लोगों ने ये कोशिश की कि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट के नए इम्कानात की तलाश करें। जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट है, इस आर्ट एंड क्राफ्ट को किस तरह से उर्दू के साथ जोड़कर हम नए कैरिकुलम, नए सिलेबस एक बनाएं, और उस एक स्कीम के तहत हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पेपर मेशी के तर्ज पे सेंटर हम दें, और यहाँ के जो बेरोज़गार युवा हैं उन्हें इसमें शामिल करें, ताकि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो और कि जो और उनको बरसरे रोज़गार किया जा सके। इनफैक्ट भारत सरकार खुद जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफ़ी संजीदा है, जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी संजीदा है। पिछले काफ़ी सालों से जम्मू एंड कश्मीर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस इंटरनल पॉलिटिक्स और कुछ यहाँ के हालात की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के क्राफ्ट का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। और बाज़ ऐसे ऐसी रियासतें हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर के क्राफ्ट को, यहाँ के हैंडलूम को अपना करके और विश्व मार्केट में उसे बेचते हैं और उससे काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो क्राफ्ट जो पूरी दुनिया में मशहूर था, वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होने लगा। लेकिन सरकार अब यहाँ के क्राफ्ट को, यहाँ के हैंडलूम को आगे करने के लिए, इसकी तशहीर करने के लिए, पूरी दुनिया के लेवल पे फैलाने के लिए पूरी संजीदा है, और सरकार ये चाहती है कि इंडस्ट्रियल और टूरिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के जो क्राफ्ट डेवलपमेंट है उसको भी बहुत आगे बढ़ाया जाए। NCPWL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, भारत सरकार का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और हम जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं।